हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था MySQL फंक्शंस। थ्री फंक्शंस हमारे हो गए थे। हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट फंक्शन, टेक्स्ट स्ट्रिंग फंक्शन में फोर्थ फंक्शन था हमारा सब स्ट्रिंग। क्या है? सब str। ठीक है, क्या है सब str फंक्शन? ये क्या करेगा? दिस फंक्शन एक्सट्रैक्ट अ सब स्ट्रिंग फ्रॉम अ गिवन स्ट्रिंग। जो भी हमारे पास स्ट्रिंग होगी, स्ट्रिंग मतलब जो भी हम लिखेंगे टेक्स्ट में, उसमें से कुछ पार्ट हमें जो चाहिए होगा उसे बोलेंगे सब स्ट्रिंग। ठीक है, तो सिंपल सा इसका कैसे यूज करेंगे हम लोग, इसमें यह है कि हम इसमें फ्लोटिंग पॉइंट मतलब पॉइंट अगर वैल्यू देंगे तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? इंटीजर में कन्वर्ट कर लेगा, क्योंकि इसे परफेक्ट वैल्यू चाहिए। सिंपल सिंटैक्स इसका होगा, जैसे देखो, सिलेक्ट सब str ब्रैकेट में जो भी यहाँ स्ट्रिंग देंगे, क्या देंगे? जो भी स्ट्रिंग देंगे यहाँ पे, और कितने कैरेक्टर चाहिए, कहाँ से कहाँ तक, इंडेक्स के हिसाब से वो, जैसे हमने दिया यहाँ 1 से लेकर 3, तो ये जो वैल्यू है आपकी इंटीजर होगी पास। अगर आप फ्लॉट देंगे तो वो ऑटोमेटिक इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। एग्जाम्पल देखो इसका, जैसे मैंने लिखा सिलेक्ट सब str ब्रैकेट में हमने दिया, मान लो गुड मॉर्निंग लिखा है यहाँ पे, गुड मॉर्निंग लिखा, 1.3 दिया, तुम्हारा जो आउटपुट होगा ये 1 से स्टार्ट हुआ, देखिए 1 है, तो 1 से स्टार्ट होगा तो क्या आंसर मिलेगा हमें बताइए। देखिए 1 से स्टार्ट हुआ जी वो, ये होगा आंसर आपका। ये सब स्ट्रिंग है क्या? ये सब स्ट्रिंग है, ठीक है, क्या है? सब स्ट्रिंग है, ठीक है। हम इसे माइनस में भी दे सकते हैं, अगर यहां पे लिखा होता -5 और 3 स्ट्रिंग चाहिए तो क्या होगा? 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 है, तो आंसर होगा RNI, आंसर होगा इसका RNI। ठीक है, तो हम लोग बैक साइड से भी स्ट्रिंग को सब स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए आपका सबस्ट्रिंग हो गया। इसके बाद देखिए इसमें फाइव, देखिए इसमें यू केस एंड अपर, सिंपल सा उसी तरह है जैसे हमने लोअर केस वाला किया था। ये क्या करेगा? कन्वर्ट करेगा लोअर टू अपर में, ठीक है, लोअर टू अपर में कन्वर्ट करेगा। ये देखिए कैसे होगा, ये इसमें हम लोग क्या करेंगे, सिलेक्ट यू केस दे दिया हमने, यहां लिखा हमने गुड मॉर्निंग लिखा, यहां दिया हमने, इसने लिखा सेमी कॉलन लगाया। अब नाम भी दे सकते हैं यहां पे एज डबल कोट में सब स्ट्रिंग, तो आपका जो कॉलम होगा वो यही सो होगा सब स्ट्रिंग, हमारा आंसर इस टाइप से रिजल्ट होगा। सब स्ट्रिंग यहां लिखा होगा, यहां लिखा होगा गुड मॉर्निंग, अपर केस में लिखा होगा, ठीक है।
इसके बाद देखिए सिक्स हमारा है एल ट्रिम, क्या एल ट्रिम ये क्या करेगा, दिस फंक्शन रिमूव द लीडिंग स्पीसीज, दिस फंक्शन रिमूव्स द लीडिंग स्पीसीज, जो भी स्पेस है हमारा लेफ्ट साइड से उसको रिमूव कर देगा। देखो जैसे हमने लिया यहाँ पे, जैसे कोई एग्जांपल हमने लिया, हमने लिखा यहाँ पे सिलेक्ट एल ट्रिम, मैं लिखा यहाँ पे गुड, तो जो ये स्पेस है लेफ्ट में उसको रिमूव करेगा, बस आंसर हमारा इसी टाइप से होगा होगा गुड, जैसे नॉर्मल लिखा जाता है, स्पेस हटा देगा इसमें से, ठीक है, एल ट्रिम में लेफ्ट साइड से स्पेस को रिमूव कर देगा। ठीक है, फिर उसके बाद आर ट्रिम हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा आर ट्रिम, ये राइट से जो स्पेस होगा उसको रिमूव करेगा, ठीक है, तो यहाँ क्या होगा लीडिंग स्पेस, ये राइट साइड से लीडिंग स्पेस राइट, ये वो था लेफ्ट में, ये राइट में, जैसे यहाँ लिखा हमने क्या सिंपल सा है, हमने यहाँ पे आर ट्रिम कर दिया, यहाँ लिखा हमने गुड, ये स्पेस दिया हमने, तो यहाँ पे जो भी नाम लिखेंगे, जैसे मैंने लिखा आर ट्रिम, तो यहाँ पे क्या आएगा आर ट्रिम आ जाएगा, तो जो स्पेस इधर है वो रिमूव हो जाएगा, तो इस टाइप से आंसर आएगा हमारा। ठीक है, इसके बाद ट्रिम है, ट्रिम में क्या होगा जो बोथ साइड जो हमारा स्पेस होगा, क्या होगा बोथ साइड जो स्पेस होगा हमारा इसमें कंबाइन होते हैं, क्या होते हैं कंबाइंड स्पेस, कंबाइंड आर ट्रिम एंड एल ट्रिम, इसमें दोनों कैसे होते हैं कंबाइन होते हैं। देखिए हमने ट्रिम लिखा यहाँ पे, अगर मैंने गुड यहाँ लिखा, इधर भी स्पेस इधर भी स्पेस है, दोनों स्पेस को क्या कर देगा रिमूव कर देगा, क्या कर देगा रिमूव, यहाँ ट्रिम कर देंगे, ठीक है, तो दोनों स्पेस दोनों साइड से स्पेस को रिमूव कर देंगे, ठीक है। इसको नोट कर लेंगे हम लोग, फिर हम लोग कल आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में, आगे जो और फंक्शंस होंगे उनके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।